Hey there, welcome once again. This is Kanchan and you're watching me on English Connection. Guys, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं वोकैबुलरी, साथ ही साथ यानी कि प्लस आप सीखने वाले हैं फ्रेजेस. अब आप ज़रा सोचिएगा ये दोनों ही चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. स्पोकन इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी चाहिए, साथ ही साथ फ्रेजेस चाहिए, ताकि आप आज से अभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर दें. तो इंग्लिश बोलना शुरू करने के लिए जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, फ्रेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि इन वोकैब्स के साथ साथ आपको फ्रेजेस भी मिलने वाले हैं, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा. वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. लेट्स बिगिन. सो गाइज, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें हैं ये वोकैब्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है ओवर टाइम. ओवर टाइम का मतलब होता है समय बीतने के साथ साथ, यानी कि एज टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीतता है. इस तरीके से जब भी आपको सेंटेंस बनाना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहला सेंटेंस, थिंग्स विल गेट बेटर ओवर टाइम. ठीक है, चीज़ें समय के साथ साथ यानी कि समय बीतने के साथ साथ ठीक हो जाएंगी. सो हमने क्या यूज़ किया, ओवर टाइम. एंड गेट बेटर का आपको मतलब पता ही है. आपको ध्यान क्या देना है, सेंटेंस फॉर्मेशन पे, किस तरीके से सेंटेंस बनाया गया है, क्या स्ट्रक्चर है और किस तरीके से हम इन वर्ड्स का यूज़ करते जा रहे हैं. क्लियर, ये आपके लिए एक वर्ड मिल गया ओवर टाइम यूज़ करने के लिए आपको. ठीक है, नेक्स्ट इज बाय हार्ट. अब अगर यहाँ पर आप शाब्दिक अर्थ निकालने की कोशिश करें तो आप पाएंगे दिल से. तो इसे आप समझिए, कोई चीज़ दिल से याद होना. यहाँ पे इसका सेंस है सही सही या फिर अच्छे से याद होना, यानी कि जो वर्ड्स लिखे हैं उन्हें एग्जैक्टली याद कर लेना. ठीक है, टू मेमोराइज द वर्ड्स एग्जैक्टली. तो उन चीज़ों को अच्छे से याद करने के लिए आप, याद होने के लिए आप बाय हार्ट का यूज़ करते हैं. आप पाएंगे कि इसे हम आगे एज अ वर्ब भी यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से इस सेंटेंस को देखिएगा. एक्टर्स, एक्टर्स जो कि मूवी वगैरह में एक्टिंग करते हैं, एक्टर्स हैव टू लर्न देयर लाइन्स बाय हार्ट. यानी कि एक्टर्स को उनकी लाइन्स बाय हार्ट अच्छे से एग्जैक्टली याद करनी पड़ती हैं कि क्या बोलना है. तो इस तरीके से आप बाय हार्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पे. अब यहाँ मैंने बाय हार्ट लिख रखा है, जहाँ एक हाइफन लगा और मैंने लिखा है वर्ब. तो ये एज अ वर्ब भी यूज़ होता है और इसका मतलब होता है सही सही यानी कि अच्छे से याद करना, एग्जैक्टली वर्ड्स को याद करना. तो आप देखिए इसे कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे. रीड द एसे ओवर एंड ओवर टिल यू बाय हार्ट इट. तो सबसे पहले लेट्स ब्रेक दिस सेंटेंस डाउन. रीड द एसे ओवर एंड ओवर, यहाँ तक रख लेते हैं पहले. यानी कि इस एसे को बार बार पढ़ो. ओवर एंड ओवर का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़ो. टिल, तब तक, जब तक यू बाय हार्ट इट, जब तक ये तुम्हें अच्छे से याद ना हो जाए. टिल यू बाय हार्ट इट. तो इस तरीके से आपने इस वर्ड का यूज किया यहाँ पे एज अ वर्ब, टिल यू बाय हार्ट इट. नेक्स्ट इज एट द लॉन्गेस्ट. लॉन्ग का मतलब लंबा, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा. तो यहाँ एट द लॉन्गेस्ट, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग समय के लिए. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर पूछना हो किसी चीज़ के लिए कितना समय लगेगा तो आप हाउ लॉन्ग बोलते हैं. ठीक है, वहाँ टाइम नहीं मेंशन करते बट हाउ लॉन्ग बोल देते हैं. उसी तरीके से यहाँ एट द लॉन्गेस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कोई पर्टिकुलर समय आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. ठीक है, आई विल टेक एन आवर एट द लॉन्गेस्ट. मतलब कि आई विल टेक एन आवर का मतलब हुआ मुझे एक घंटे लगेंगे. मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए आपसे पूछा जाता है हाउ लॉन्ग विल यू टेक, तुम्हें कितना समय लगेगा. तो आप बोलते हैं आई विल टेक एन आवर एट द लॉन्गेस्ट, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा लगेगा. तो यहाँ एट द लॉन्गेस्ट आपने यूज़ किया ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए. ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा देर नहीं होगी, नो लेटर देन एन आवर. ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा. टॉप अप, द फिफ्थ वन इज टॉप अप. इसका मतलब होता है पूरा ऊपर तक भर देना, मतलब कि कोई आधी भरी हुई चीज़ है उसको फुल करना. जैसे आप ग्लास में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ है जो कि आधी आधी हो गई, आपने पी लिया आधा हो गया, अब आप चाह रहे हैं कि उसे फिर से आप फिल करा लें, तब आप टॉप अप यूज़ करते हैं. तो मान लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आया हुआ है, आपने कोल्ड ड्रिंक सर्व की, उसने आधा पी लिया है, फिर आप पूछते हैं
वुड यू लाइक मी टू टॉप अप योर ग्लास, क्या मैं आपके ग्लास को पूरा भर दूं, यानी कि आपको एक बार और सर्व कर दूं. वुड यू लाइक मी टू टॉप अप योर ग्लास. पहला जो है वो है गुड कॉल. आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है. गुड कॉल का मतलब गुड डिसीजन, मतलब बढ़िया निर्णय, सही निर्णय. तो ये आप कब यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए कि कोई अच्छा निर्णय लेता है अपने लिए तो भी आप बोल सकते हैं गुड कॉल, और कोई आपको कुछ सजेस्ट करता है कि ऐसे करना चाहिए तो भी आप कह सकते हैं गुड कॉल, मतलब सही निर्णय है, मैं ऐसा ही करूँगा. तो ऐसा ही आपको कुछ एग्जाम्पल मिलने वाला है आज. मान लीजिए ए और बी दोनों फ्रेंड हैं और दोनों शॉपिंग के लिए गए हैं, जिसमें से बी गए हैं अपने बच्चों के लिए टॉयज खरीदने. ठीक है, बी अपने बच्चों के लिए टॉयज खरीदने गया है, तो जो ए है वो सजेस्ट करता है इंस्टेड ऑफ बाइंग टॉयज यू शुड बाय सम कॉमिक बुक्स. इसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग टॉयज खिलौने खरीदने की बजाय यू शुड बाय सम कॉमिक बुक्स, तुम्हें कॉमिक बुक्स खरीदने चाहिए. एक सजेशन है कि अगर तुम कॉमिक बुक्स खरीदोगे तो बच्चे इंजॉय भी करेंगे और कुछ सीखेंगे भी. तो फिर बी बोलता है गुड कॉल, मतलब कि सही निर्णय है, आई विल गो विथ कॉमिक बुक्स. तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज वाटर रिलीफ. वाटर रिलीफ का मतलब होता है जान में जान आई. किसी भी चीज़ से अगर आपको कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है और आप अचानक से सुनते हैं कि अब आपको वो नहीं करना पड़ेगा, या फिर आप किसी पर्सन को पसंद नहीं करते और वो आपके घर आने वाला था, फ़ोन आता है कि वो नहीं आ सकता, तो आप कहते हैं वाटर रिलीफ, राइट. कुछ ऐसा एग्जांपल है यहाँ पे. पर्सन ने शी जस्ट कॉल्ड एंड सेड दैट शी इज नॉट कमिंग. ठीक है, मान लीजिए आपकी फ्रेंड है ए, जो कि जिसकी कोई और फ्रेंड है या कोई सिस्टर है जो कि आने वाली थी, और आपकी उससे नहीं बनती, आप उसे नहीं पसंद करते. तो अभी तक ये था कि वो आ रही है, लेकिन अभी अभी उसने कॉल किया आपकी फ्रेंड को और बोला कि आई एम नॉट कमिंग. तो वो आपसे बता रही है शी जस्ट कॉल एंड सेड दैट शी इज़ नॉट कमिंग. तो आप कहते हैं वॉट अ रिलीफ. हो सकता है आप अपने मन में बोलें, बट येस यू कैन यूज़ दिस इन दिस सिचुएशन, वाटर रिलीफ. नेक्स्ट इज आर यू डन. इसका मतलब होता है क्या आपका हो गया, आप कोई भी काम कर रहे हैं वो चीज़ क्या आपने कंप्लीट कर ली, हैव यू फिनिश्ड दैट वर्क. इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्या आपका हो गया. सो पर्सन ए, हाउ लॉन्ग विल यू टेक. इसका मतलब है तुम्हें कितना समय लगेगा, कोई भी काम आप कर रहे हैं तुम्हें कितना समय लगेगा. आर यू डन, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, आपने पूछा कितना समय लगेगा. उसने मान लीजिए बताया कि आधे घंटे एक घंटे, फिर आप आधे घंटे या एक घंटे के बाद वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं आर यू डन, मतलब कि क्या तुम्हारा हो गया, क्या काम पूरा हो गया. ठीक है, तो इस पे जवाब आप दे सकते हैं या आई एम डन, यस मेरा हो गया, लेट्स गो, चलो चलते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप अपनी बातें कर सकते हैं. तो आर यू डन पूछा जा सकता है, आई एम डन बताया जा सकता है कि मेरा हो गया, मेरा काम पूरा हो गया. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज टेक योर पिक. इसका मतलब होता है अपनी पसंद का चुन लो. अब टेक योर पिक आप तभी कहेंगे जब आप उनके आगे ऑप्शंस रखेंगे. सपोज आपके घर गेस्ट आए हुए हैं और आप कहते हैं आई हैव टी, ग्रीन टी, कॉफी एंड ब्लैक कॉफी. देन आपने बोला टेक योर पिक, मतलब आपने ऑप्शंस रख दिए कि आपके पास कॉफ़ी है और ग्रीन टी है, कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी है एंड टी भी है, प्लेन टी. तो आप इनमें से क्या लेना चाहेंगे. तो आपने पूछा, आपने बोला टेक योर पिक, यानी कि अपनी पसंद का चुन लो, मेरे पास सब है, कोई एक चुन लो, मैं वो बना दूँ तुम्हारे लिए. तो आप बोल सकते हैं आई हैव. अब आपको क्या पसंद है इन चारों में, टी, ग्रीन टी, कॉफ़ी या फिर ब्लैक कॉफ़ी. अगर आप बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आएँ तो आप कौन सा पिक करेंगे. ठीक है, सो टेक योर पिक इस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द मोर द मेरियर. ये आप यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा है. सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए. इसका मतलब है जितना ज़्यादा उतना अच्छा.
तो ठीक है, तो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। आप पर्सन के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही मज़ा आएगा। आप सामान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ही मज़ा आएगा, राइट। तो आपको सिचुएशन देती हूँ, कुछ ऐसे सिचुएशन मान लीजिए कि आप अपने घर पर पार्टी कर रहे हैं, आपने अपने फ्रेंड को इन्वाइट किया है, अब उस फ्रेंड के घर में उसके कज़न्स आए हुए हैं या फिर वो अपने फ्रेंड्स को आपके यहाँ लाना चाह रहा है, ठीक है। तो वो आपसे पूछता है, इज़ इट ओके इफ़ माई फ्रेंड्स कम टू योर पार्टी। मतलब कि आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया, राइट, और आपका जो फ्रेंड है वो अपने फ्रेंड्स को भी आपकी पार्टी में लाना चाहता है ताकि वो आपके साथ भी समय बिता सके और अपने उन दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी समय बिता सके। तो वो पूछता है, इज़ इट ओके, क्या ये ठीक है इफ़ माई फ्रेंड्स कम टू योर पार्टी, अगर मेरे दोस्त तुम्हारी पार्टी में आए। तो आप क्या बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स द मोर द मेरियर। ऑफ कोर्स मतलब ज़रूर, हाँ बिल्कुल, द मोर द मेरियर, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही मज़ा आएगा, पार्टी है पार्टी में और मज़ा आएगा, राइट। तो इस तरीके से आप द मोर द मेरियर का यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आज आपने 5 नई वोकैबुलरी और साथ ही साथ 5 ऐसे फ्रेजेस सीखे जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। आज ही से शुरू कीजिए यूज़ करना, और इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो, नए का मतलब ये है कि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। एंड यस, अगर आपको रिटन में ये सारी चीजें चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.englishconnection.online। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।